तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीतन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर एजेंसीज, ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थ एजेंसीज में दो एजेंसीज के बारे में, जो कि पहली है हमारी WHO और दूसरी रहेगी हमारी यूनिसेफ। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपको पुटअप देखने को मिलते हैं, जहां से कि क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों, उसको स्टार्ट करने से पहले, आप अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया जीतन ट्यूब चैनल को नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिए क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी अपकमिंग आपके पास में इंपॉर्टेंट क्लासेस और अपकमिंग वैकेंसी अलर्ट्स की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर अपन एजेंसी की बात करें, तो सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे पहली एजेंसी की अपन बात करते हैं, तो वो है दोस्तों यहाँ पे क्या, WHO। तो सबसे पहले WHO अपन देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों यहां पे आपका 7 अप्रैल 1948, और 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए इस डे को हम दोस्तों यहां पे क्या मनाते हैं, WHO डे भी मनाते हैं। तो WHO डे अपन पूछे कब, तो 7 अप्रैल 1948, ये WHO कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948। अगर मैं दोस्तों यहां पे बात करूं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स तो यहां पे क्या है, उन्होंने हेल्थ की जो है वो डेफिनेशन दी थी, हेल्थ की डेफिनेशन यहां पे उन्होंने दी थी, ठीक है। और अलग से मैं दोस्तों यहां पे बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ये है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर यहां पे जिनेवा में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, जो कि जिनेवा कहाँ में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में, ऑब्जेक्टिव्स हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 7 अप्रैल 1948। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा एक स्टार मार्किंग करेंगे। ये पूछा जाता है कि WHO डे कब मनाया जाता है, या फिर WHO एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलेंगे इसके आगे जो इसके प्रिंसिपल्स है उसके बारे में। अब दोस्तों अपन यहां पे बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो इसके प्रिंसिपल जी थे वो कितने थे यहाँ पे प्रिंसिपल्स इसके, वो तो WHO के प्रिंसिपल्स थे 3। तो 3 कौन से प्रिंसिपल्स हैं अपन आप इसमें अब आगे देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल्स ऑफ WHO, तो प्रिंसिपल्स की मैं बात करूं तो पहला प्रिंसिपल जो है वो है WHA। WHA क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये WHO क्या है, इसका जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अदर की मैं बात करूं तो द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी, ये इसका क्या है दोस्तों यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल यहाँ पे इसका हो जाएगा। और लास्ट का बचा तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये इसका क्या है यहाँ पे, सो थर्ड जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल थे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और द सेक्रेटरिएट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये इसके 3 यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो है वो WHO के देखने को मिलते हैं, जो कि कंसिस्ट करते हैं यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेल्थ पार्लियामेंट, हेल्थ पार्लियामेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये थे यहाँ पे 3 इसके प्रिंसिपल। अब अपन इसको पढ़ने के बाद चलेंगे कि इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो इसको एरप करने के बाद दोस्तों अब अपन चलेंगे कि इसका जो रीजनल हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है।
करूंगा यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ WHO, तो वो कौन है यहाँ पे, टेड्रोस नो। तो ये क्या है दोस्तों, इनके यहाँ पे WHO के डायरेक्टर हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे, टेड्रोस एडनो। इनका ये पूरा नाम है यहाँ पे घेब्रे येसुस। तो टेड्रोस इस पहली बार यहाँ पे टेड्रोस एडेनोम घेब्रे येसुस, ये इनका जो है डायरेक्टर का पूरा नाम है यहाँ पे, क्या, टेड्रोस एडेनोम घेब्रे येसुस। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेडक्वार्टर, वो कहाँ है दोस्तों, वो है यहाँ पे अपने इंडिया में न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार मार्किंग करेंगे। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे अपने WHO के बारे में। अब हम चलेंगे दोस्तों अपने जो नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी है यूनिसेफ, उसके बारे में। यूनिसेफ कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो यूनिसेफ और WHO अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सेकेंड है यूनिसेफ। तो इसकी इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो क्या है दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म, कभी बार पूछ लेते हैं कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एक बार आपको चाइल्ड भी दे रखा होगा, लेकिन आपको जो फुल फॉर्म लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। इसकी अगर बात करूं यहाँ पे कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946। हाँ जी, कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, 11 दिसंबर 1946। यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करेंगे, इसकी फुल फॉर्म पे भी स्टार मार्किंग करेंगे। और पूछा जाता है यहाँ पे कि आपका मनाया कब जाता है ये, तो इस दिन क्या मनाया जाता है आपका, यूनिसेफ डे जो है वो मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। एस्टैब्लिशमेंट 11 दिसंबर 1946, और जो यूनिसेफ डे है वो अपन कब मनाते हैं, 11 दिसंबर को मनाते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी अगर बात करें तो इसने कहाँ फोकस किया था दोस्तों, किस चीज पे फोकस किया था, चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर चाइल्ड एजुकेशन। इसने दोस्तों किस पे फोकस किया था यूनिसेफ ने, कि चाइल्ड की जो हेल्थ है उसके बारे में, और न्यूट्रिशन के बारे में, और साथ में ही फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर और चाइल्ड की यहाँ पे एजुकेशन के बारे में इस यूनिसेफ ने जो है वो फोकस यहाँ पे किया है। अपन चलते दोस्तों, ये जो यूनिसेफ है इसने एक कैंपेन चलाया था जिसको अपन बोलते हैं गोभी कैंपेन। तो गोभी कैंपेन आपने बहुत सुना होगा, और एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि गोभी कैंपेन में से जो GOBI है, तो उसमें से बी का मतलब क्या है या फिर आई का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो गोभी की मैं पूरी फुल फॉर्म लिखूंगा, और साथ में ही आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से जो है वो क्वेश्चन पुटअप यहाँ पे अपना होता है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि यूनिसेफ
यूनिसेफ प्रोमोटेड अ कैंपेन कैंपेन क्या था उसका कैंपेन गोबी ट्रिपल एफ ठीक है गोबी ट्रिपल एफ आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं गोभी के तीन फूल जिस तरीके से मैंने जहां से भी पढ़ा है उन्होंने मेरे को बताया था गोभी के तीन फूल यानी कि गोभी और तीन फूल एक फूल दो फूल तीन फूल ठीक है तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं गोभी के कितने फूल थे यूनिसेफ ने प्रमोट किए थे तीन तो जी ओ बी और आई अब जी से क्या है दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग ओ से ओरल रिहाइड्रेशन बी से ब्रेस्ट फीडिंग और आई से इम्यूनाइजेशन ठीक है ये इसके थे बाकी आप ओरल रिहाइड्रेशन क्या है दोस्तों यहां पे स्टार मार्किंग करेंगे और ग्रोथ मॉनिटरिंग किसने दी थी गिवन बाय डेविड मोरले गिवन बाय डेविड मोरले तो ये थी दोस्तों यहाँ पे गोभी की फुल फॉर्म जी से ग्रोथ मॉनिटरिंग ठीक है ओ से ओरल रिहाइड्रेशन और बी से ब्रेस्ट फीडिंग और आई से इम्यूनाइजेशन ठीक है और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट मॉडरेट डिहाइड्रेशन और यहां लिख सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग है एज सून एज पॉसिबल ठीक है इसको भी आप यहां पे स्टार मार्क करेंगे दोस्तों किसने दिया था ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए डेविड मोरले ने डेविड मोरले जो है उन्होंने दिया था तो जी से ग्रोथ मॉनिटरिंग ओ से ओरल रिहाइड्रेशन और बी से ब्रेस्ट फीडिंग और आई से जो है आपका इम्यूनाइजेशन तो ग्रोथ मॉनिटरिंग किसने दी थी गिवन बाय डेविड मोरले ओरल रिहाइड्रेशन फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट रिहाइड्रेशन ठीक है और बी से ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल आपको यहाँ पे देनी है और यहाँ पे आई से इम्यूनाइजेशन दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें एज सून एज पॉसिबल तो यहाँ पे किसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और अगर आपका एल एस सी एस हुआ है एल एस सी एस तो कब आफ्टर फोर आवर्स ठीक है वरना आपको एज सून एज पॉसिबल जो है वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे बेबी को यहाँ पे करानी है ठीक है तो ये थी गोभी की बात और बात करें अपन अब ट्रिपल एफ के बारे में तो इसको रख करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको ले या फिर लिख भी सकते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो माना जाएगा अब चलेंगे दोस्तों अपना जो ट्रिपल एफ है उसके बारे में कि ट्रिपल एफ की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे क्या कहती है बाकी उसके बाद में एक अभियान भी इन्होंने यूनिसेफ ने भी चालू किया था उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ठीक है उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं ये ट्रिपल एफ की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी तो पहले आपसे दोस्तों फैमिली एजुकेशन दूसरे आपसे फूड सप्लीमेंट्स और तीसरे से यहां पे फैमिली स्पेस ठीक है तो आप ये नोट डाउन कर लो एफ से पहले एफ से जो है वो फैमिली एजुकेशन दूसरे एफ से फूड सप्लीमेंट और तीसरे एफ से जो है फैमिली स्पेसिंग यानी कि फैमिली को आपको क्या है एजुकेशन देना है उनको कि आपको किस तरीके से रहना है कितने जो है ये जो कैंपेन है प्रमोट क्यों किया था कि आपको जो अपने चाइल्ड है उसके आपको किस तरीके से यहाँ पे केयर करनी है कितना न्यूट्रिशन लेना है सारी एजुकेशन देना है साथ में उनको सप्लीमेंट्स भी दिए थे जो कि आप यहाँ पे
सप्लीमेंट्स यूज करके बिल्कुल हेल्दी रह सके। साथ में फैमिली स्पेस के बारे में बताया था कि कितना स्पेस जो है आपकी फैमिली में बेबी के लिए यहाँ पे देना है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे गोभी के तीन फूल यानी कि GOBI और ट्रिपल एफ। जी से ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ से आपका यहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन, बी से ब्रेस्ट फीडिंग, आई से यहाँ पे इम्यूनाइजेशन, और यहाँ पे फैमिली एजुकेशन, फूड सप्लीमेंट, और एक एफ से आप लास्ट में आपका फैमिली स्पेस। ठीक है, ये थे यहाँ पे गोभी के लिए ट्रिपल एफ के जो कैंपेन चलाया था इसके बारे में। एक दोस्तों यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जो इन्होंने अभियान चलाया था वो था दस्तक अभियान। तो इस यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पॉन्सर्ड बाई यूनिसेफ। किस सर्वे के लिए चलाया था, यहाँ पे आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस सर्वे में ही आपका दस्तक अभियान चलाया था। और इसमें कौन शामिल थे, जो थे यहाँ पे आपका ANM आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, और आशा थी, एक्टिवेटर सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और इनको क्या दी थी, दस्तक किट जो है इनको यहाँ पे प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, तो दस्तक अभियान जो है किसने स्पॉन्सर्ड किया था, यूनिसेफ ने स्पॉन्सर्ड किया था। तो फोकस किस पे किया था, आप लिख सकते हैं आप फोकस ऑन जापानीज एंसेफलाइटिस सर्वे। और यहाँ पे कौन रहती थी, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी और आंगनवाड़ी वर्कर्स और क्रिएटर सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, उनको दस्तक किट बैग जो है वो दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या था, दस्तक किट बैग जो है वो दिया जा रहा था। तो ये थी हमारी दोस्तों यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में। ठीक है सर, तो आज आपने किसमें हेल्थ केयर एजेंसीज में आपने WHO के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट यूनिसेफ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो और भी हेल्थ केयर एजेंसीज है वो भी मैं आपके सामने जल्दी लाऊंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज इसको लाइक करके और कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ में इस वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो शेयर हो सके। और दोस्तों लास्ट में एक ही बात, अगर आपने अभी तक मेरे जीतर ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास में जब भी वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशंस में जरूर आ जाए कि जीतन ट्यूब की तरफ से कोई ना कोई वीडियो जो है इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुई है। तो कृपया इस चीज को कर दीजिए, बाकी और लोगों तक भी शेयर करिए ताकि ये कंटेंट जो है वो मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।